सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत देवसर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन सांसद रीति पाठक ने किया। सांसद रीति पाठक ने स्टेडियम का लोकार्पण करते हुए कहा कि एनटीपीसी विंध्याचल कोविड-19 महामारी के दौर में भी अपने सामाजिक कार्यों को निभाती रही है। खोटार में बना यह स्टेडियम सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्टेडियम खेल से जुड़ी प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए आदर्श स्थान साबित होगा। यहाँ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिससे खुटार शहर को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान देवसर विधायक सुभाष रामचरित्र ने कहा कि खेल से शारीरिक एवं मानसिक दोनों का विकास होता है। वहीं एनटीपीसी विंध्याचल के अपर महाप्रबंधक पीके विश्वास ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव मांगे। समारोह में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक मुनीश जौहरी मौजूद रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।